नाबालिग बच्चियां और तीन औरतें। इनका किसी फरसे जैसे हथियार से बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। ये बलि तुम्हारी मांग नहीं है, इनसे जो बन पड़ा ये वो बलि है। क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के इस वाले एपिसोड के अंदर हम कवर करने वाले हैं सात ऐसी वेब सीरीज को जिसकी IMDb रेटिंग 7 से ऊपर है। और दोस्तों ये सारी की सारी सीरीज इसी साल यानी कि 2024 में रिलीज हुई है, तो दोस्तों प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे ही नई नई वेब सीरीज को आप तक पहुंचाने का। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। Behind the truth. 1970s के महाराष्ट्र के किसी छोटे से गांव पर बेस्ड ये वाली सीरीज आपको दंग करके रख देने वाली है। और ये वाली सीरीज देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाने वाला है। गांव के अंदर एक गुरुजी है जिसके इन्फ्लुएंस में आकर लोग भेड़ बकरी की तरह अपनी इंसानी बलि देना शुरू कर देते हैं। अब ये पूरी घटना की जांच करने की जिम्मेदारी आ जाती है एक डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर पर। अब ये सुपरस्टिशंस और ट्रीजर हंट के चक्कर के अंदर पुलिस ऑफिसर कैसे अपने इस केस को सोल्व करेगा और कैसे वो सच का पता लगाएगा, यही सब कुछ जानने के लिए आपको ये वाली सीरीज देखनी पड़ेगी। ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड 2024 में आई हुई मनमथ मर्डर्स आपकी सोच को हिलाकर रख देगी। सीरीज शुरू होते ही अपना पेस पकड़ लेती है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यह सीरीज पूरी तरह से आपको अजब तसीब का एक्सपीरियंस करवाएगी। सभी एक्टर्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है और ऊपर से इस वाली सीरीज की विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी भी लाजवाब है जो आपको और एंगेज करके रखेगी। और एपिसोड 8 के लास्ट मोमेंट के अंदर जब सच सामने आता है वो देखने के बाद आप डेफिनेटली चौंक जाओगे। तो ओवरऑल अगर आपको दहन जगह मुरुकर्स जैसी सीरीज पसंद आई है तो ये वाली सीरीज डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसीडर करने वाले हो तो आपको सोनी लिवर पर देखने को मिल जाएगी। सीरीज की स्टोरी एक स्ट्रगलिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर के आसपास घूमती रहती है जो अपने म्यूजिकल ड्रीम्स को सर्च करने का सपना देखता है। म्यूजिक इंडस्ट्री की आर्ट रियलिटी को नंगा करके आपके सामने रख दिया है 2024 में आई हुई सीरीज खलबली रिकॉर्ड्स जिसकी IMDb रेटिंग है 7.6। अरे लेबल की ना खलबली की एक यूनिक आइडेंटिटी हो। सीरीज के अंदर म्यूजिक इंडस्ट्री की स्ट्रगल को एकदम रियलिस्टिकली दिखाया गया है बिना कोई ग्लैमराइजेशन के। ऊपर से सभी लीड एक्टर्स ने काफी अच्छा काम किया है और उनकी केमिस्ट्री भी स्क्रीन पर काफी ऑथेंटिक लगती है। और इस सीरीज का म्यूजिक इसका प्लस पॉइंट है। हर एक एपिसोड के अंदर आपको सोलफुल ट्रैक सुनने को मिलता है जो इस सीरीज को और भी ज्यादा मजेदार और आउटस्टैंडिंग बना देता है। सीरीज डेफिनेटली कई जगह पर लैग करती हुई नजर आती है जिसके कारण इसकी लेंथ भी फील होती है। और ये सीरीज स्लो बर्न है जो पूरा टाइम लेती है अपनी स्टोरी को बिल्डअप करने के लिए। लेकिन अगर आपको अमर से चमकीला और शो टाइम जैसे शोज पसंद आए थे तो ये वाली सीरीज डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसीडर करने वाले हो तो ये आपको जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। इस मसले का हल जुनैद की मौत से होगा। जुनैद को भूल जा फरीद, वरना जिस मिट्टी से उठाया था ना उसी मिट्टी में गाड़ दूंगा। इस वाली सीरीज की स्टोरी मुंबई के रिटायर्ड गैंगस्टर मुर्शिद पठान के आसपास घूमती रहती है जो अपने पुरानी लाइफ को छोड़कर एक पीसफुल जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन जब उसका बेटा एक तालिबान के 3 मेंबर्स के मर्डर का इल्जाम जलता है तो मुर्शिद फिर से अपनी पुरानी दुनिया के अंदर वापस लौट आता है। अब इस बार उसका मकसद बिल्कुल साफ है, अपने बेटे को मौत से बचाना और दुश्मनों का खात्मा करना। और इस खूनी सफर के अंदर उसका साथ देते हैं उसके कई पुराने साथी। 2024 में आई हुई सीरीज मुर्शिद आपको मिर्जापुर की याद देने वाली है और ऊपर से इसकी IMDb रेटिंग है 7.4। KK मेनन सर का परफॉर्मेंस एकदम बाप लेवल का है, मतलब बंदा लिटरली मुर्शिद के कैरेक्टर को खाकर पी गया है। ऊपर से इस वाली सीरीज के अंदर हमें मुंबई के अंडरवर्ल्ड का रॉ एंड रियल डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है तो इस वाली सीरीज को और भी ज्यादा खास बना देता है। आज सीरीज के अंदर कई सारे ऐसे मूवमेंट है जो आपको प्रेडिक्टेबल लगेंगे लेकिन उसके बावजूद भी यह सीरीज आपको गजब का मजा देकर जाने वाली है। तो अगर आपको गैंगस्टर थ्रिलर वेब सीरीज देखना चाहते हो तो गो फॉर इट। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसिडर करने वाले हो तो आपको Zee5 पर देखने को मिल जाएगी। ये सब औरतें बच्चे ये रोने की आवाजें कह रही हैं कि ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए ब्लैक मार्क है सर। तो सीरीज की स्टोरी स्टार्ट होती है वृंदा से जो एक ऑनेस्ट और डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर है हैदराबाद के अंदर। अब अचानक एक दिन कुछ ऐसा होता है कि एक मर्डर को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके चलते वृंदा को शक जाता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। अब वो इस केस को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वृंदा इस वाले केस के अंदर घुसती है उसके सामने ऐसे किलर का सच सामने आता है जो वृंदा को शॉक करके रख देता है। 2024 में आई हुई सीरीज वृंदा कुछ हटके देने की ट्राई करती है आपको जिसकी IMDb रेटिंग है 7.3। त्रिशा कृष्णन एज वृंदा ने जो परफॉर्मेंस दिया इस वाली सीरीज के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सीरीज का। एक टफ और इमोशनल कॉप के रूप में उन्होंने इमोशन और इंटेंसिटी को बड़ी अच्छी तरीके से प्ले किया है। उसका नेचुरल एक्टिंग स्टाइल इस शो को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एंगेजिंग बना देता है। ऊपर से इस वाली सीरीज की सिनेमेटोग्राफी भी आउटस्टैंडिंग है। सीरीज का पेसिंग डेफिनेटली थोड़ा सा स्लो है जो इस सीरीज की लेंथ को फील करवाता है। ऊपर से सीरीज के अंदर कई जगह पर अननेसेसरी सीन भी डाले गए हैं जो सीरीज की कहानी को और भी ज्यादा ड्रैग करते हैं। लेकिन सीरीज का लास्ट वाला ट्विस्ट आपको डेफिनेटली मजा देके जाएगा। और वृंदा एक डिसेंट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है तो डेफिनेटली आपको मजा देके जाएगी। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसीडर करने वाले हो तो आपको सोने लिए पर देखने को मिल जाएगी। कोई सीए टॉपर है। सीए टॉपर औरतों को ना सर्विसेज देता है, वो वाली। वाली मतलब पैसे वाली। दोस्तों इस वाली सीरीज के नाम के पीछे बिल्कुल मत जाना क्योंकि नाम को सुनकर ऐसा लगेगा कि ये कोई मोटिवेशनल सीरीज होगी, लेकिन नहीं भाई ये सीरीज तो कुछ और ही है।
तो कहानी घूमती रहती है त्रिभुवन मिश्रा के आसपास, जो एकदम सीधा साधा ईमानदार आदमी है। लेकिन उसकी यही ईमानदारी एक दिन उस पर भारी पड़ जाती है, जब उसकी सारी सेविंग्स किसी कारण की वजह से गायब हो जाती है। अब उसको अपना घर भी चलाना है और पैसे भी कमाना है। अब वो क्या करेगा, इसी कहानी को लेकर बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ आई हुई 2024 की सीरीज त्रिभुवन मिश्रा सी ए टॉपर, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7। सीरीज की कहानी बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग है, जो आपको एंड तक सीट से बांधे रखेगी। ऊपर से जो त्रिभुवन मिश्रा की जर्नी दिखाई गई है एस्कॉर्ट की, वो भाई देखने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सीरीज के अंदर कई जगह पर 18 प्लस सीन्स भी है और गाली गलौज की तो बात ही मत करो, मतलब हर दूसरा तीसरा डायलॉग अंदर आपको गाली सुनने को मिलने वाली है। ये वाली सीरीज 100% आपको मजा देकर जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसीडर करने वाले हो तो ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। ये वाली सीरीज शेरलॉक होम्स का बंगाली वर्जन है। इस वाली सीरीज के अंदर के मेनन सर ने शेखर होम्स का किरदार प्ले किया है, जो कलकत्ता के स्ट्रीट्स में अपने पेक्यूलर तरीके से क्राइम को सोल्व करता है। इस शो में काफी फेमस शेरलॉक होम्स की स्टोरीज को अपने इंडियन वर्जन के रूप में दिखाया गया है। 2024 में आई हुई सीरीज शेखर होम्स आपको देसी शेरलॉक होम्स की याद देकर जाएगी, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 8.1। के मेनन सर का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। उसका केस सोल्व करने का तरीका, उसका वीटी और एसेंट्रिक स्टाइल बड़ी अच्छी तरीके से इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। ऊपर से बंगाली कल्चर और एटमॉस्फेयर कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। लेकिन सीरीज के अंदर कुछ जगहों पर शेरलॉक होम्स की स्टोरी का सीधा एडेप्शन देखने को मिलता है, जो थोड़ा सा अनकंसिस्टेंस लगता है। लेकिन ओवरऑल अगर आपको शेरलॉक होम्स वाली सीरीज देखना पसंद है तो ये वाली सीरीज 100% आपको पसंद आएगी। अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसिडर करने वाले हो तो आपको जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। मेरे को वरदान है, मेरे को हर खबर वक्त से पहले मिलती। आप में से कई लोगों ने ये वाली सीरीज देख ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उसको मैं बता दूं कि एक बार इस वाली सीरीज को जरूर देखना। कहानी घूमती रहती है वस्या नाम के एक लड़के के आसपास, जिसको समय से पहले फ्यूचर को देखने का वरदान मिलता है। उसका ये वरदान उसके लिए वरदान बनता है या फिर साफ बनता है, यही सब कुछ जानने के लिए आपको ये वाली सीरीज देखनी पड़ेगी। 2024 में आई हुई सीरीज ताजा खबर, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 8.1। भुवन बाम का एक नया रूप देखने को मिलता है आपको इस वाली सीरीज के अंदर, और इस वाली सीरीज के अंदर आपको लाजवाब डायलॉग्स भी सुनने को मिलने वाले हैं। ऊपर से इस वाली सीरीज का डायरेक्शन और स्टोरी को प्रेजेंट करने का तरीका भी लाजवाब है, जो इस सीरीज को और भी ज्यादा खास बना देता है। सीरीज की कहानी थोड़ी सी सुपरफिशियल लगती है और कुछ कैरेक्टर्स की डेप्थ भी महसूस नहीं होती है, लेकिन यह सीरीज एक एंगेजिंग सीरीज है तो आप इसको एक बार जरूर देख सकते हो। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसीडर करने वाले हो तो आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहना। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।